बात करना चाहता हूं कि कानून में यह कहां लिखा है कि आप जब तक हाउस फुल ना हो और आप इलेक्शन करवा दें, एक चीज। दूसरी बात, मैं मलिक अहमद खान साहब का बड़ा मोतकिद हूं कि उनके इन्होंने एक ऐसा सियासी कचरा जिसको डिक्की में भर के कहीं डंपिंग स्टेशन में डालना था, उसको डंपिंग की बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डलवा दिया, और जिस रिसाइकलिंग मशीन में डाला आज वो बेल्जियम में दर पर्दा फिर रही है। गुजारिश ये है सर, ये तो कोई बात नहीं। अगर राणा आफ्ताब बात कर रहे थे तो इट वाज ऑल राइट, बट दिस इज नॉट क्विट। ये सर आप इलेक्शन कर रहे हैं, ये जरा आप बैठे तशरीफ रखें एक मिनट। ये सर बात ये है, ये दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये आपने क्या कहा? ये सर ये कोई, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये अल्फाज आप, वैसे तो ये कार्रवाई से हजफ, दिस इज नॉट इवन रिकॉर्डेड, ये तो कोई बात ही नहीं है। कार्रवाई से सर मेरी दरख्वास्त है आप इलेक्शन कंडक्ट कराएं। ऑर्डर इन द हाउस। मेरी एक बात सुन लें मरियम बीबी, एक मेरी बात सुन लें। देखें बात करना चाहता हूं कि कानून में यह कहां लिखा है कि आप जब तक हाउस फुल ना हो और आप इलेक्शन करवा दें, एक चीज। दूसरी बात, मैं मलिक अहमद खान साहब का बड़ा मोतकिद हूं कि उनके इन्होंने एक ऐसा सियासी कचरा जिसको डिक्की में भर के कहीं डंपिंग स्टेशन में डालना था, उसको डंपिंग की बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डलवा दिया, और जिस रिसाइकलिंग मशीन में डाला आज वो बेल्जियम में दर पर्दा फिर रही है। गुजारिश ये है सर, ये तो कोई बात नहीं। अगर राणा आफ्ताब बात कर रहे थे तो इट वाज ऑल राइट, बट दिस इज नॉट क्विट। ये सर आप इलेक्शन कर रहे हैं, ये जरा आप बैठे तशरीफ रखें एक मिनट। ये सर बात ये है, ये दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये आपने क्या कहा? ये सर ये कोई, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये अल्फाज आप, वैसे तो ये कार्रवाई से हजफ, दिस इज नॉट इवन रिकॉर्डेड, ये तो कोई बात ही नहीं है। कार्रवाई से सर मेरी दरख्वास्त है आप इलेक्शन कंडक्ट कराएं। ऑर्डर इन द हाउस। मेरी एक बात सुन लें मरियम बीबी, एक मेरी बात सुन लें। देखें